नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार में भी बीजेपी के लिए बड़ी खुशी छिपी हुई। बीजेपी ने दिल्ली की जंग जीतने के लिए नेताओं की जो फौज उतारी थी वो बेकार नहीं गई। पार्टी के खाते में उम्मीद के मुताबिक भले ही सीटें ना आई हों, लेकिन चुनावी नतीजों के पोस्टमार्टम के बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को थोड़ा सुकून दे सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भले ही प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन ऐसी कई सीटें रहीं जहां उसे बीजेपी से कड़ी टक्कर मिली, जो बताता है कि बीजेपी की मेहनत बेकार नहीं गई। दिल्ली चुनाव के नतीजों में सबसे अहम बात तो ये रही कि 70 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत तो हासिल की ही है, साथ ही करीब 63 सीटों पर वोट शेयर भी बढ़ा है। कुल मिलाकर दिल्ली में 38.51% के साथ पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इतना ही नहीं, 20 सीटों पर बीजेपी ने 2015 चुनाव की तुलना में 10% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाया। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर नजफगढ़ सीट पर बढ़ा है। यहाँ पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 21.5% बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीट जीती। बीजेपी के खाते में इस बार चुनाव में 8 सीटें आई। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट शेयर 63 सीटों पर बढ़े हैं। आपका वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में 38 सीटों पर घटा है। कांग्रेस का सिर्फ कस्तूरबा नगर सीट पर वोट शेयर बढ़ा है। दिल्ली के नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बीजेपी भले ही बुरी तरह चुनाव हार गई, लेकिन उसने ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त बनाई और उसका वोट शेयर बढ़ा है। जबकि इस चुनाव में बंपर जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 38 सीटों पर घटा। कांग्रेस के वोट शेयर के आंकड़े पर नजर डाले तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर सियासी सुसाइड कर लिया है। पार्टी के 63 उम्मीदवारों ने तो अपनी जमानत गंवा बैठी। यही नहीं, 63 सीटों पर वोट शेयर भी पार्टी ने गंवा दिया। अपने सबसे बुरे प्रदर्शन से गुजर रही कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। केंद्र में जहां मोदी उसे टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही। किसको कितने वोट मिले? दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया है। उसे कुल 49,74,522 लोगों ने वोट दिया, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 35,75,430 लोगों ने वोट दिया। तो वहीं कांग्रेस को महज 3,95,924 लोगों का समर्थन मिला। यानी जिस कांग्रेस को शीला दीक्षित ने शीर्ष पर पहुंचाया था, वही कांग्रेस अब लगातार गर्त में जा रही, जबकि बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी शुरू से जीतते आ रही और जीतते रहेगी, और 5 साल और जो आने वाला है उसमें भी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि देखिए, पब्लिक के पीछे वो चल रही है, पब्लिक को लेके चल रही है, और आगे अगर ऐसे ही करते चले तो उनको आगे भी हम लोग मत देने के लिए तैयार हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार है सुधीर चौधरी, दिल्ली की जनता मुक्त खोर है? जी नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनको? हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना थोड़ा सा कंट्रोल करे उस बात पे। दिल्ली की जनता सब देख रही है जो कौन किसके लिए मर रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है कि केजरीवाल जी जो है ने जो मेहनत करी थी वो दिल्ली वासियों ने मतलब पसंद करी है। उस मेहनत को जो भी काम किए उन्होंने, जितना मतलब उन कर सकते थे वो काम, उतना काम उन्होंने किया है। और आगे हम चाहेंगे कि आगे भी वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें और 5 साल को इस तरह कर दें कि आने वाले और 5 साल उनके बने। और आम जनता है, नौकरी, बेरोजगारी, करप्शन, इन सब चीज़ों पर काम करे। और बिजली पानी की जो उन्होंने कहा कि भी हम आगे भी सुविधा देंगे, महिलाओं को सुविधा देंगे आगे बसों में, और मेट्रो फ्री कराएंगे, और भी बहुत सी योजनाएं जो उनकी हैं कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान, तो इस तरह की अगर बातें अगर वो कंप्लीट करते हैं, अपनी बात को अपनी बात पे अगर कायम रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल लोगों के लिए अच्छे बीतेंगे दिल्ली वालों के लिए, और उम्मीद भी है उनको, उनसे लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए सर, ऐसा है कि मुफ्तखोर वाली बात एक अलग है, लेकिन क्या होता है कि एक गरीब आदमी है ना, उसका अपना बजट होता है, तो अगर उसके बजट में अगर उसको कुछ फ़ायदा होता है तो वो चाहता है कि ऐसी सरकार आए जिसमें मेरा बजट थोड़ा सा सुधरे। हर आदमी चाहता है इस चीज़ को। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे जो ट्वीट किए हैं? नहीं, सुधीर चौधरी जी वैसे एक अच्छे बड़े पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, और उन्होंने भी कहते यही कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी ही का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि जनता
भी देखती है, क्योंकि बीजेपी का हारने का कारण क्या है, बीजेपी हारने का कारण क्या है कि 20 साल से तो बीजेपी है नहीं कहते हैं दिल्ली में, तो बीजेपी किस मुद्दे पे कहते हैं जो है चुनाव लड़ेगी, जीतने के लिए कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। 20 साल में सेंटर में जरूर है बीजेपी, सेंटर में काम किया है, लेकिन दिल्ली में वो नहीं था, इसलिए क्या लगा हुआ है? नहीं नहीं, देखिए शाहीन बाग का मुद्दा एक अलग है, वो देश का मुद्दा है, वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, वो राष्ट्र का मुद्दा है। उसके लिए अगर कहते बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर कोई कदम उठाया है तो वो अपनी जगह पर जायज है, लेकिन दिल्ली को उन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को काम अपना जमीनी स्तर पर काम करने के लिए कुछ चाहिए ना। ये सिर्फ विकास जो दिल्ली का हो रहा है, जो भी मतलब उम्मीद है लोगों को, उसी मुद्दे पे ही लोगों ने वोट दिया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे विकास पे जीती है, काम किया है उसने बढ़िया, लोगों को शिक्षा बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया किया है, पानी बिजली सब बढ़िया है जी। और जो कहते हैं ना कि मुफ्त मुफ्त, तो वो खा रहे हैं जो नेता बैठे हैं, ये क्या खा रहे हैं? हम लोग जो पब्लिक को क्या मिल रहा है? पब्लिक को वो उसने जो दिया है, जो टैक्स मिले हैं उनसे उन्होंने थोड़े थोड़े हम लोगों को वापसी किया है। वो तो बीजेपी के हैं जी, जो वो तो बोलेंगे, पार्टी वाले तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, तभी दिल्ली की जनता उन्हें पूरी बहुमत दी है। तो मुफ्तखोर वाले बयान पे क्या कहना चाहेंगे? मुफ्तखोर नहीं है जी, मुफ्तखोर कहाँ किया उन्होंने, बढ़िया किया है जी। आम आदमी जीती है काम का, जो उसने जितना काम किया दिल्ली में अपने विकास के मुद्दे पर जीती है, और पहली बार ऐसा हुआ है प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीते, जो कि अपने काम काज पर अस्पताल उसने अच्छे करे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया, फरिश्ते योजना लाए, बहुत सारी योजनाएं जिससे आम आदमी पार्टी इतने सारे काम कर दिए, उसको जीतना ही था। सही में दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है? नहीं, सुधीर चौधरी तो एक तो पहली बात तो बीजेपी के एंकर हैं, दूसरी चीज़ कि जनता मुफ्तखोर नहीं है। आज जनता का, आज केजरीवाल साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि मुफ्तखोर दे? आज लोगों ने ईमानदारी से टैक्स दिया, जो टैक्स डबल हो गया, अगर जनता जनता के पैसे को जनता के ऊपर वापस कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे मुफ्तखोर वाले बयान से? मुफ्तखोर तो गलत बयान है, जनता की सहूलियत के लिए उन्हें कदम उठाएं, और हर मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए कि जनता के पैसे को जनता के पास रिटर्न करना चाहिए। 15,000 आज ही मोबाइल एक सांसद को मोबाइल का बिल मिलता है, 500 रुपये में मोबाइल पूरे महीने चलता है, तो ये मुफ्तखोरी पहले सांसद ले रहे हैं या पहले आम आदमी ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। क्या उम्मीद है नई सरकार? नहीं, नई सरकार से बहुत उम्मीद है, और पहले भी उन्होंने अच्छा किया है और भविष्य में अच्छा ही करेंगे। आम पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं केजरीवाल जी, अच्छा ही। आम पार्टी जीत गई है, और क्या कहते, केजरीवाल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं हम। क्या उम्मीद है आप जो सरकार बनी? अब उम्मीद ये है कि आगे जो कामों पर जो लोगों को बिजली पानी वगैरह वगैरह फ्री देने का है, उसका एक रुझान देखा जाएगा, कितना फ्री देते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं। अब दिल्ली में पूरी बहुमत से उनकी सरकार आई है, क्या कहना चाहते हैं पता लग जाएगा उसका। और दिल्ली की जनता से मुफ्तखोर हो गई है? अब देखो, अब क्या कहते हैं, आजकल तो हिंदुस्तान में यही है, जहाँ फ्री मिलेगा वहीं लाइन लग जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है, वैसे ही उनका भी जो रहा। बाकी देखते हैं आप 5 साल के राज में क्या करते हैं क्या नहीं करते, पब्लिक कितनी खुश रहती है उनसे, ये चीज देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि उस तरह की मुफ्त की जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी? अब हमें तो मुमकिन लगता नहीं है, बाकी उन्हीं पे निर्भर है, पार्टी उनकी पूरी बहुमत से आ रखी है। ये जरूरी है कि यहाँ पे लोगों को दिखाएंगे कि हम जिस तरह के हमने राजनीति चली है उसी तरीके से आगे हम इसको निर्भर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी धन्यवाद देते हैं हम केजरीवाल जी को। देखिए, ये जो जीती है दिल्ली सरकार, ये ईमानदारी पे जीती है, ठीक है, काम पे जीती है। बेरोज़गारी जो हमने आवाज़ उठाई थी, वो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम केजरीवाल को जिताए, ठीक है। और हमें इस चीज़ को सहयोग करना चाहिए कि ऐसे ही ईमानदार पार्टियों को और भी जगह और राज्य में भी हम दें, काम के ऊपर वोट दें अपना। ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये जनता का सेवा है। जो प्रधान होता है वो क्या क्या होता है? जनता के लिए होता है, जो जनता को हम जितना हो सके सेवा दें उसको। जो कर होता है, हम कर देते हैं, उसका हमें लाभ मिलता है, वो मुफ्तखोरी नहीं है। ऐसे लोग को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक मुद्दा है, अपना एक मुद्दा आदमी एजेंडा लेके उठता है, कहता है, ये गलत है, सियासत है, ये मुफ्तखोरी नहीं है। इसमें तो मीडिया बिकी हुई है, मीडिया जी न्यूज़ वाले ने दिखाया, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब गलत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये आम आदमी की जीत हुई है, दिल्ली सरकार
ये बता दिया है फिर दिल्ली वासियों को, साथ साथ पूरे देशवासियों को, कि काम बोलता है और काम बोलता है और काम बोलने पर ही दिल्ली में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। कुछ लोग इसे मुफ्तखोरी की जीत कह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में दिल्ली जनता मुफ्तखोर है? देखिए, जो ईमानदार सरकार होती है वो ईमानदारी से काम करती है, और जो ये RSS के लोग हैं इनको ये चीज़ लगेगी मुफ्तखोरी है। जिनको मुफ्तखोरी लग रही है वो इस मुफ्तखोरी को छोड़ दे, त्याग दे। वो बिजली का बिल फ्री ना ले, पानी फ्री ना ले। हम उनसे आवाज़ उठा कहेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी, जिनको ये मुफ्तखोरी लग रही है, आप दिल्ली की जनता ये मुफ्तखोरी और जातिवाद की बात नहीं करेगी, वो बात केवल करेगी तो वो केवल विकास की और देश की तरक्की की बात करेगी।